सूरज कुंड मेले के उद्घाटन के मौके पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा और झारखंड के पर्यटन मंत्री अमर कुमार दाउरी ने बीवीएम न्यूज से कुछ खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं दोनों मंत्री। आज हमने 31वां ये हैंडीक्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किया है। बड़ी धूमधाम से लोग इसमें आए हैं। 25 देशों के प्रतिनिधि इसमें हैं, उनकी एक्सीलेंसी एम्बेसडर्स हैं, झारखंड के मंत्री महोदय हैं, सब हैं। और इस बार हमारा जो पर्यटन विभाग है उसने बड़ी मेहनत किया है। हरियाणा का ये दुनिया का सबसे बड़ा हथकरघा और हाथ से काम करने वाले कारीगरों का ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। मंत्री जी, इस बार कैशलेस होने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी जो सामान खरीदा वो कैशलेस खरीदा। आपने इस मेले से क्या कुछ खरीदा कैशलेस, और इसको कैशलेस बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? देंगे, दोनों व्यवस्था मेले में है, कैशलेस भी है और कैश के साथ भी है। तो हम लोग, हमारा मेन थीम इस बार का स्टेट झारखंड है। अगली बार क्या कौन सा स्टेट होगा और हम किसकी थीम के तर्ज पे सूरजकुंड मेला रखेंगे? बार के लिए तेलंगाना ने अभी से आग्रह किया है और अभी हमने मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि अगली बार तेलंगाना विल बी द थीम स्टेट। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो ये रामविलास शर्मा जी का कहना है कि इस बार कैशलेस होने जा रहा है। ज़्यादातर संभावना इसमें यह है कि इस बार का मेला कैशलेस होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कैश को, नकदी को बिल्कुल से हटा दिया जाएगा, लेकिन कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे कैशलेस ट्रांजेक्शन करें। और यहाँ पे अभी से, आज पहला दिन है और देखा जा रहा है कि भारी संख्या में देखने वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ से इसका उद्घाटन करके और कुछ कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे दाई ओर चल रहे हैं। उसके बाद अब ये देखना होगा कि शाम तक, आज पहला दिन है, सूरजकुंड मेले में किस प्रकार का असर देखने को मिलता है। नमस्कार। झारखंड के पर्यटन मंत्री अमर कुमार बाउरी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जो इस 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में जो इस बार की थीम है झारखंड, वहाँ के पर्यटन मंत्री से हम पूछेंगे हरियाणा की इस धरती में उनका अनुभव कैसा रहा। जी सर, इकतीसवां सूरजकुंड मेला में हरियाणा सरकार ने झारखंड को यह मौका दिया कि थीम स्टेट बने। यह इंडिया के अंदर, भारत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प का मेला है। और मैं कह सकता हूं कि झारखंड निर्माण के बाद, यह 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद यह पहला अवसर है जब झारखंड अपने आर्ट क्राफ्ट, वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति के साथ साथ सभ्यता, खान पान, पहनावा और झारखंड के प्रति जो मिथक है उसको तोड़ते हुए देश दुनिया के सामने एक सकारात्मक परफॉर्मेंस दे सके, तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। सभी लोग अच्छे से कर रहे हैं। मंत्री जी, हमने सुना झारखंड को लोग खनिज संपदा के नाम से और नक्सलिज्म वहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता था उसके नाम से जानते, लेकिन आज हरियाणा में धरती में आज आपके जो संस्कृति को उकेरा है उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही रिच स्टेट है और ओरिजिन स्टेट है। यहाँ आदिम जनजाति जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन के निशानी है झारखंड के अंदर। तो पूरा स्टेट जो है वो मिथक को ही हम लोग तोड़ने आए हैं कि जिस तरह से बाहर के दुनिया में झारखंड को रिप्रेजेंट किया गया वैसा झारखंड है नहीं। प्रकृति के रूप से बहुत ही सुंदरशाली और यहाँ के लोग बहुत ही सरल, मिलनसार और मृदुवासी है। वहाँ के खान पान, वहाँ के कल्चर हमेशा आपको अट्रैक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे। इसलिए हरियाणा कैसा लगा आपको मंत्री जी? बहुत बढ़िया। हरियाणा सर, मुख्यमंत्री जी के भी आने की कोई सूचना है? 15 दिन मेला चलने वाला है कि रघुवर दास जी आ सकते हैं? अभी उनका कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बार जरूर आए। धन्यवाद सर। तो ये हो सकता है यहाँ पे 15 दिन के इस मेले में हो सकता है मुख्यमंत्री यहाँ पे शिरकत करें। उन्होंने कहा जिस झारखंड की जो संस्कृति थी उसको यहाँ पे 31 सूरजकुंड के मेले में बहुत अच्छे से उकेरा गया, और हम आशा करते हैं कि झारखंड की जो संस्कृति और जो विरासत है उसको इसी तरह से आगे बढ़ाते जाया जाए। कैमरा पर्सन संजीव चौहान के साथ मैं विनीत त्रिपाठी।